धरने का, क्या सरकार सुन रही है अभी आपकी मांगों को? क्या कहना चाह रही है राधिका जी आप? हमारी मांगों को सरकार नहीं सुन रही है। नंदी इधर उधर भटक रहा है और गौ माता भी भटक रही है। एक्सीडेंट होता है, गौ माता की कोई सुनाई नहीं करता। ऐसे में हमने धरना लगाया है, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। तो बस हमारी यही मांग है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम धरना लगाएंगे। कौन सा दिन है आपके धरने का? चौथा दिन है। क्या आपकी अभी भी अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो कब तक आपका जारी रहेगा धरना? हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमारी मांग। कहा जा रहा है कि आज बिड़ला जी जो है लोकसभा सांसद, वो भी बूंदी में पधार रहे हैं। शायद हो सके आपकी सुनवाई के लिए बूंदी में पधार रहे हो। पता नहीं, वो तो निर्माण की मांग को लेकर पिछले 4 दिन से गोभक्त धरने पे बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन ने अभी तक सुध नहीं ली। आज आप आए हो, आपका क्या कहना है इस विषय में, थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। 50 वर्षों से इस शहर में सजीव अपनी जिंदगी को माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। गोपाल गो सेवा समिति है, ये लंबे समय से रुग्ण गायों को, एक्सीडेंटल गौ माता को, नंदी को निजी रूप से उनकी सेवा सुरक्षा कर रहे हैं, उनको चारा पानी डालते हैं। क्योंकि 30-40 वर्षों से इस शहर में, और आज भी हम देखें हर तिराए चौराहे गली में नंदी और उपेक्षित गाय चारों तरफ दुर्घटनाएं कर रही है, कई प्रकार के नुकसान कर रही है। प्लास्टिक की थैलियां खा रही है, अपनी लीला समाप्त कर रही है। पूर्व में भी एक नौटंकी हुई थी, इस शहर से गायों को बाहर ले गए थे, उसमें सैकड़ों गायें को मौत का मुंह देखना पड़ा। और आज भी गौ माता और नंदी अनुमान से अधिक अपनी ई लड़ा समाप्त कर रहे हैं। गोपाल गौशाला ने एक लंबे समय से एक पहचान बनाई है और इनका उद्देश्य भी उत्तम है। इस मांग को लेकर ये जिससे शहर के लोगों को भी राहत मिलेगी, लेकिन कहीं कहीं कोई पेच फंसा हुआ है। इस शहर के कुछ लोग जो जनप्रतिनिधि भी हैं, व्यवसायिक भी हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, उनसे पृथक इस उद्देश्य को समाप्त करके
अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो लोग तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, वह गौ माता और नंदी की ज़्यादा अच्छे तरीके से सेवा कर सकते हैं। मैं तो जिला प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ। चौथा दिन है नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर यह धरना कब तक चलेगा और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आपकी तरफ संदेश या कोई आश्वासन मिला गया अभी तक? हमारा जो धरना का चौथा दिन है, जब तक हमारी नंदीशाला की मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक धरना चलता रहेगा। हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है, नंदीशाला की मांग है, जिला कलेक्टर महोदय को पूरी करनी है। जिला कलेक्टर ने एक समिति गठन किया जिसमें 2 महीने के अंदर भूमि चिन्हित करने का उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी ये समिति पिछले 4 सालों से कार्यरत है और प्रशासन की भी संज्ञान में है, तो अब तक कोई नंदीशाला नहीं बन पाई, तो अब इनसे भविष्य में क्या उम्मीद करें कि नंदीशाला का निर्माण अतिशीघ्र करवा दें। नंदीशाला के लिए जो समिति गठित की गई है उसमें एक कथित समिति है नंदीशाला के लिए आवेदन किया था, उस समिति का अध्यक्ष भी उसमें मेंबर है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, कुल मिला के गो माता के साथ बूंदी में राजनीति कर रहे हैं सारे संगठन हैं और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के नेता हैं, वे गौशालाओं में जाते हैं, उनको वहाँ पर गौशालाओं की दयनीय स्थिति नहीं दिखती है, बूंदी शेर में घूम रहे हैं, बेसारा गोवंश हैं, गंदी हैं, गौ माताएँ हैं, ये जगह जगह सड़कों पे बैठती है, ये टकराती है, ये मरती है और इनसे भी लोगों को नुकसान होता है, फिर भी ये लोग मौन है। सरकार का जो निर्णय है हर जिले में एक नंदी गौशाला बनाने का, उसकी अनदेखी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता इसमें सबसे बड़े गुनाहगार हैं, जो उनकी सरकार होते हुए भी नंदीशाला का निर्माण नहीं करवा पा रहे, ये उनके मुँह पर थूकने जैसा है। पशु क्रूरता समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं, फिर भी और राज्य सरकार का आदेश है, फिर भी आदेशों की पालना क्यों नहीं हो रही है, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा निकम्मा नालायक प्रशासन शायद अगर ऐसा ही रहा तो देखने को मिलता रहेगा। तो जिला कलेक्टर जैसे व्यक्तित्व के पास इतना बड़ा परिवार हो और गौ माता की ऐसा हो रही है, दूध कलेक्टर को तो पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है। पशुपालन विभाग की तरफ से आप सेवा कार्य कर रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्थाएं आपने निजी व्यवस्था कर रखी है, पशुपालन विभाग की तरफ से कभी कोई सहायता मिलती है? हम पिछले 10 वर्षों से वहाँ कार्यरत हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल दवाइयाँ भी लड़ते जगड़ते अब जाके दी जाने लगी है, फिर भी हमारे स्तर पर काफ़ी दवा